हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो? तो गाइस, इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप ऐप नॉट इंस्टॉल प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल में किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अगर आप इस प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ना मैं स्पॉटिफाई ऐप को इंस्टॉल करूँ तो यहाँ पे ना मुझे ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ऐप नॉट इंस्टॉल, जिसकी वजह से ये जो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो रहा है। तो चलिए जान लेते हैं किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे इसे कट करना होगा। उसके बाद आपको अपनी मोबाइल की सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जाना है। यहाँ पे आपको जाने के बाद आपको जाना है सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी पे जाने के बाद आपको नीचे जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, अननोन सोर्स इंस्टॉलेशन। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको देखना है कि आपने किस अननोन सोर्स से वो एप्लीकेशन लिया है। तो अगर आपने क्रोम से किया है तो आपको क्रोम कर देना है। अगर आपने ड्राइव से, आपने जहाँ से भी उस एप्लीकेशन को लिया है उसका आपको अननोन सोर्स ऑन कर देना है। तो यहाँ पे ये अननोन सोर्स हैं, आप क्या ऐसे सोर्स से लेते हैं मतलब जहाँ से, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने जहाँ से भी उस एप्लीकेशन को लिया है उसे, उसका आपको अननोन सोर्स ऑन कर देना है। जैसे कि अगर आपने क्रोम से लिया है तो आपको क्रोम का ऑन कर देना है। अगर आपने ओपरा से लिया है या आपने किसी डेटा शेयरिंग ऐप से लिया है तो आपको उसका जो है अननोन सोर्स ऑन कर देना है। तो यहाँ पे ना हमने क्रोम से लिया है तो हमारा जो क्रोम का जो अननोन सोर्स है वो ऑटोमेटिकली ऑन है यहाँ पे पहले से ही। तो अगर आपका ऑन नहीं है तो आपको ऑन कर देना है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे बैक आना है और जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च नहीं करना है, यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल पर जाना है। प्रोफाइल पे आपको टैप करना है। उसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में नहीं जाना है, आपको यहाँ पे जाना है प्ले प्रोटेक्ट में। तो यहाँ पे ना मैंने गलत बोल दिया, तो आपको जाना है प्ले प्रोटेक्ट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसे ऑफ़ कर देना है। इन सेटिंग्स को आपको ऑफ़ कर देना है, आपको ऑफ़ कर देना है। उसके बाद आपको आना है बैक आने के बाद आपको जाना है अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर में। और यहाँ पे ना अभी हम इस ऐप को बाद में इंस्टॉल करेंगे, उससे पहले ना आपको क्या करना है, अगर आपका स्टोरेज जो है फुल है तो आपको उसे थोड़ा खाली कर देना है। क्योंकि अगर आपका स्टोरेज फुल होगा और आप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो वो आपके मोबाइल के अंदर कैसे जा सकती है? जब आपका स्टोरेज ही फुल है तो वो आपके अंदर नहीं जाएगी, आपके मोबाइल के अंदर। तो आपको यहाँ पे ना अपना जो स्पेस है उसे थोड़ा खाली कर देना है, स्टोरेज खाली कर देना है। उसके बाद आपको जाना है फ़ोन और जहाँ भी आपका एप्लीकेशन हो वहाँ पर आपको जाना है। तो मेरा यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर है, तो आपका जहाँ पर भी हो वहाँ पर आपको चले जाना है और आपको इसे इंस्टॉल करना है उस एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर हम इंस्टॉल करेंगे तो देखते हैं हमारी प्रॉब्लम फिक्स हुई है नहीं, इसके बाद हो जानी चाहिए। देखते हैं, यहाँ पे ना मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो चुकी है सक्सेसफुली। तो कुछ इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।